refer to as one man's dream. And indeed it was. Having said that, I just want to say that that is because a promise is a promise. And that's what we like. रतन टाटा ने अपना वादा पूरा कर दिया और उन लोगों का सपना भी जो सस्ते में एक कार चाहते थे। रतन टाटा ने तो सिर्फ अपने खानदान की उस परंपरा को निभाया था जिसके सपने भारत की जनता और देश की तरक्की के साथ जुड़े थे। 1868 में एक ट्रेडिंग फर्म से शुरू हुए टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल, पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी दी। टाटा सन्स की सब्सिडियरी थी टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया हो गई। आजादी से पहले ही देश को टाटा मोटर्स के ट्रक मिलने लगे थे और उसके बाद भी टाटा ग्रुप देश की तरक्की के साथ जुड़ा रहा। देश की ग्रोथ के साथ टाटा ग्रुप का साम्राज्य बड़ा होता गया। जो स्थिति थी उसमें स्टील, उसमें इस्पात का उत्पादन करने का सपना देखना एक पूरा पागलपन होता, लेकिन उन्होंने किया। टाटा के इसी साम्राज्य के साथ बड़े हो रहे थे रतन टाटा। ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन जेआरडी टाटा का ना केवल अपने ग्रुप के अंदर बल्कि देश में रुतबा था, लेकिन रतन टाटा पर्दे के पीछे काम करने वालों में थे। वो बेहद संकोची और सौम्य स्वभाव के रहे, इसलिए जब जेआरडी टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो कॉर्पोरेट इंडिया हैरान रह गया। जेआरडी वॉज एन इंस्टीट्यूशन और हिस्टोरियंस विल जज हिम डिफरेंटली। रतन को आज जज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको तो हिस्ट्री 20-25-30 साल बाद जज करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगा उन ताकतवर अफसरों को जो खुद को जेआरडी का उत्तराधिकारी मानते थे, और टाटा ग्रुप के इन पुराने सामंतों को साधना ही रतन टाटा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी थे ग्रुप में जो कई सालों से कंपनीज अपनी रन कर रहे थे, और रतन टाटा का अगर आप देखें बैकग्राउंड तो उतना कोई खास इम्प्रेसिव टाटा ग्रुप के नज़रिए से नहीं था, और वो उन्होंने आके कंसोलिडेट किया। इसमें से टाटा स्टील के एमडी रूसी मोदी ने तो करीब करीब विद्रोह ही कर दिया था। इसके अलावा टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ, ताज होटल्स के अजित केरकर और एसीसी चेयरमैन नानी पालकी वाला भी नाखुश थे। रूसी मोदी को बर्खास्त करना पड़ा, जबकि दरबारी सेठ और अजित केरकर रिटायरमेंट की उम्र 70 साल तय कर दिए जाने से रिटायर हो गए। इन छत्रपों की ताकत देखने के बाद रतन टाटा को एहसास हुआ कि ग्रुप पर टाटा परिवार की पकड़ बेहद कमजोर है। उन्होंने कहा कि ये सेंट्रलाइज फंक्शनिंग होनी चाहिए, क्योंकि टाटा को इस वक्त एक नई दिशा की जरूरत है, इसलिए कि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज और बहुत ज्यादा इंडिविजुअल आइलैंड्स जिसे बोलते हैं उसको जोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने एक सेंट्रल फंक्शनिंग शुरू किया। इसलिए रतन टाटा ने सबसे पहले ग्रुप कंपनियों में टाटा सन्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 26% करने पर जोर दिया। उनके सामने दूसरी जिम्मेदारी थी अपने भारी भरकम ग्रुप में जोश डालने की, टाटा ग्रुप को दिशा देने की। इसलिए उन्होंने ऐसे धंधों से निकलने का फैसला किया जिनका बाकी ग्रुप के कारोबार के साथ तालमेल नहीं था। सीमेंट कंपनी एसीसी, कॉस्मेटिक्स कंपनी लैक्मे और टेक्सटाइल बिजनेस बेच दिया गया। करीब 225 सब्सिडियरी कंपनियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रतन टाटा ने ग्रुप कंपनियों पर रॉयल्टी लगा दी। 1% की रॉयल्टी टाटा नाम इस्तेमाल करने के लिए होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को दी जाती है। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा के शुरुआती कुछ साल तो एक तरह से घर की मरम्मत में ही निकल गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसे कई बड़े काम किए जिनसे ग्रुप की दिशा ही बदल गई। नमक से लेकर स्टील, सस्ते घर से लेकर लग्जरी होटल बनाने वाले टाटा ग्रुप के पास ना नाम की कमी थी ना जमीन जायदाद थी। जब रतन टाटा ने कमान संभाली तो कमी थी सिर्फ सही दिशा और तेज रफ्तार की। एक बार पूरे ग्रुप पर पकड़ बनाने के बाद रतन टाटा के सामने यही चुनौती थी। उनके फोकस में आया ग्रुप का ऑटो, स्टील, आईटी और टेलीकॉम बिजनेस। पेशे से इंजीनियर रतन टाटा के दिल में बसती हैं गाड़ियां। बस और ट्रक बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स उनके आने के बाद कार बाजार में भी उतरी और उसने तमाम आशंकाओं को गलत भी साबित किया। उस वक्त कहते थे कि हिंदुस्तान में कौन कार बना, ना हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास, ना इनके पास कैपिटल है,
और ये जो बड़े बड़े दिग्गज जो दुनिया के जो फोर्ड मोटर जनरल मोटर्स जैसे बड़े BMW मर्सिडीज इतनी बड़ी बड़ी जो ग्लोबल कंपनियों के सामने ये टिक नहीं सकते, मगर इन्होंने दिखाया कि ये टिक सकते हैं। टाटा इंडिका भारत की पहली ऐसी कार थी जिसे पूरी तरह किसी भारतीय कंपनी ने बनाया। इंडिका को थोड़ी देर से कामयाबी मिली लेकिन ये हिट हो गई। टाटा सफारी और टाटा इंडिगो ने भी अपने क्लास में जमकर टक्कर दी। लेकिन जिस कार ने टाटा को दुनिया में मशहूर किया वो थी टाटा नैनो। 1,00,000 रुपए में कार का सपना भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सपना था। सबसे सस्ती कार बनाएंगे जिसका उपयोग हिंदुस्तान के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग कर सकें, ये सपना देखना कोई मामूली बात नहीं थी। और सपना देख करके उसको कार्यान्वित करना ये और भी ज्यादा प्रशंसनीय चीज है। हालांकि टाटा मोटर्स नैनो की शुरुआती कामयाबी को भुना नहीं पाई, लेकिन इस बीच 2007 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की मशहूर कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर धमाका कर दिया। घाटे में चल रही जैगुआर लैंड रोवर का रतन टाटा ने काया पलट कर दिया और आज टाटा मोटर्स की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। एक्चुअली वो जब इंटरनेशनल गए तो कई लोगों ने कहा था कि ये गलत मूव है, बहुत ही महंगा जो एक्विजिशंस थे लोगों ने कहा कि बहुत महंगे हैं, मगर उनकी नज़र उस वक्त पर नहीं थी, उनकी नज़र थी 10 साल आगे। द टाटा ग्रुप गोइंग ग्लोबल, द एक्विजिशन ऑफ टेटली और ऑफ JLR और ऑफ कोरस वेर बोल्ड मूव्स दैट हैज मेड द टाटा ग्रुप टुडे ट्रूली ग्लोबल। रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा स्टील की भी काया पलट हो चुकी है। रतन टाटा ने अपने दौर की शुरुआत में ही इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टील कंपनी बना दिया था। कई चीजें कर रहा था टाटा ब्रांड और एक बहुत ही ट्रस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया आप उसे कह सकते हैं रहा है। वो सिर्फ ट्रस्ट था तो सब, अब जब टाटा की बात करें तो कहेंगे ये कहते थे कि भाई रिलायबल है। उन्होंने एक और डायमेंशन ऐड किया कि रिलायबल सिर्फ नहीं, डिजायरेबल भी है, फॉरवर्ड थिंकिंग भी है। लेकिन तब भी टाटा स्टील दुनिया के बाजार में एक छोटी कंपनी ही थी। रतन टाटा ने इसे बड़ा बनाने की कोशिश में एक बड़ा दाव लगाया, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कोरस को खरीदकर। 7.5 अरब डॉलर खर्च करके टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के अलावा एक और कंपनी थी जिसे रतन टाटा ने चुपचाप बढ़ावा दिया और आज वो ग्रुप की कमाई में सबसे बड़ी हिस्सेदार है। आज TCS एक मार्केट लीडर है, इंफोसिस से भी आगे है, तो वो भी एक, मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी, IT इन सब एरियाज में टाटा ने अपना करके दिखाया है कुछ। टाटा ग्रुप का एक तिहाई मुनाफा TCS से आता है। IT रतन टाटा का क्षेत्र नहीं है और इसलिए उन्होंने इस कंपनी में दखल ना देकर इसे तरक्की का मौका दिया और नतीजा सामने है। टाटा सन्स की शॉपिंग में TCS का सबसे बड़ा योगदान है। रतन टाटा ने जमाने की नब्ज को समझते हुए शुरू में ही फाइनेंस, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में निवेश किया। $6 बिलियन ग्रुप टर्नओवर से $100 बिलियन पे ले आए, ग्रुप को ग्लोबलाइज कर दिया। आज 60% ऑफ द टॉप लाइन टर्नओवर टाटा ग्रुप का मुझे बताया गया है कि हिंदुस्तान के बाहर से आता है। ये हर एक चीज बाय इटसेल्फ कैन मेक रतन्स नेम गो डाउन इन बिजनेस हिस्ट्री। आगे हम आपको बताएंगे टाटा की शख्सियत की खास बातें क्या है। March 1991 रतन टाटा जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो कद्दावर JRD टाटा के मुकाबले वो एक अनाम सी शख्सियत थे जिन्हें कुछ ग्रुप कंपनियों की जिम्मेदारी तो दी गई थी लेकिन वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। फिर भी JRD ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना। आखिर वो कौन सी चीज थी जो रतन टाटा में JRD को दिखी? टाटा समूह के आधिकारिक जीवनी लेखक RM लाला ने इस पर कहा था कि JRD के मुताबिक रतन टाटा की याददाश्त बेहद अच्छी है और इतने बड़े ग्रुप को चलाने के लिए याददाश्त अच्छी होनी ही चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि वो जिस काम में हाथ लगाते हैं शिद्दत से करते हैं, डिटेल में जाते हैं हर चीज में, तो चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे डिजाइन हो। मुझे याद है मैं एक नैनो के जो डिजाइनर थे जो इटली से आए थे उनसे मैं बात कर रहा था 2-3 साल पहले,
उन्होंने बोला कि रतन टाटा उनके साथ बैठ के घंटों बिताते थे कि एक एक नैनो के डिज़ाइन का एक एक लाइन कहाँ से जाएगी, ये मतलब उसकी डिक्की कैसे रहेगी, वो कैसे, लाइट्स का क्या डिजाइन होगा। जीआरडी का जो डीएनए जो था वो कंटिन्यू किया, एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, वैल्यू सिस्टम्स, और $6 बिलियन ग्रुप टर्नओवर से $100 बिलियन पे ले आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर बार हर रोज मैं रात को जब सोने जाता हूँ तो इस बात से मुझे बड़ा बहुत संतोष मिलता है कि मन मूल्यों और सिद्धांतों से मैंने कभी समझौता नहीं किया, जो कि जो मूल्य और सिद्धांत हमारे व्यवसाय के साथ लगे हुए हैं। सिद्धांतों से टाटा का लगाव ही है जो उन्हें कॉर्पोरेट इंडिया के बहुत से दूसरे लीडर्स से अलग खड़ा करता है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जो उन्हें सबसे खास बनाती हैं। रतन बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। वो आज भी मुंबई में कोलाबा में उसी फ्लैट में रहते हैं जहां सालों पहले रहते थे। अपनी काली मर्सिडीज या फिर इंडिगो में जब वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठकर बाहर निकलते हैं तो सिर्फ काम के लिए। वो मुंबई के पार्टी सर्किट में नहीं जाते हैं और ना ही उन्हें सुर्खियों में रहने का शौक है। रतन टाटा बेहद निजी जीवन जीते हैं। कोई नहीं जानता था 2-3 साल पहले के बाद कि इनके मन में कभी शादी करने की बात आई कि नहीं। खुद पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि 4 बार ऐसा हुआ वह शादी करते करते बच गया। तो जब रतन टाटा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई बहुत कम लोग जानते हैं। लोग जहाँ तक मैंने सुना है कि लोग बताते हैं कि उस व्यक्ति को काम करने की आदत है। अगर वो विदेश जाते होने को, जबकि सब लोग हवाई जहाज के ऊपर बैठकर कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, वो अपना लैपटॉप लेके काम करते रहते हैं, तो बहुत प्राइवेट लाइफ है। लेकिन प्राइवेट लाइफ जीने वाले रतन टाटा की सोच हमेशा पब्लिक के लिए रही। उन्होंने देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस को खड़ा किया, देश विदेश में लग्जरी होटल खरीदे, तो टाटा नैनो का सपना भी देखा, टाटा स्वच का तोहफा भी दिया। He is a legend. We all look up to him. I more so because I'm a Parsi and he's a Parsi. But I think he's done phenomenally. For the period that he's been chairman of Tata Sons, he's done fantastically well, fabulously well. He's taken Tata's to huge heights, tremendous heights. लेकिन आज अगर रतन टाटा को बेहद सम्मान से देखा जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ईमानदारी। आज जब देश में बिजनेस करने के लिए कॉर्पोरेट्स को तरह तरह के समझौते करने पड़ते हैं, रतन टाटा ने अपने ग्रुप को कमोबेश किसी भी भ्रष्टाचार से दूर रखा है। टाटा की इमेज एक ऐसे कमल की रही है जो कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ है। नैनो के सिंगूर प्लांट के बाद रतन टाटा को गुजरात में अपना प्लांट शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन महीनों चली इस कश्मकश में टाटा के ऊपर उंगली नहीं उठी और उनकी यही छवि उन्हें कॉर्पोरेट इंडिया में सबसे ऊंचा बना देती है। राडिया स्कैंडल में टाटा का नाम आया, लेकिन ज्यादातर लोग टाटा की ईमानदारी को लेकर निश्चिंत है। टाटा का रथ हमेशा जमीन से ऊपर चलता था, तो पिछले कुछ सालों में वो अभी भी बहुत रिस्पेक्टेड है, इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड है, मगर शायद अब वो ज़मीन पे आ गया है, क्योंकि जो नाम टाटा का इन्वॉल्व हुआ है कुछ जो ऐसी स्कैंडल्स और उसमें, वहाँ आप ये ज़रूर कहेंगे कि शायद आज के ज़माने में जो करना पड़ता है, शायद टाटा ने उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनका था। राडिया टेप की बात कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट कुछ किया नहीं। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट मानती है रतन एकदम निर्दोष है, पर वो पब्लिसिटी में आ गया, अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया उन्होंने। भले ही उनकी छवि को नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन रतन टाटा का नाम विवादों में आ ही गया है और शायद यही रतन टाटा का सबसे बड़ा मलाल रहे। से लेकर टाटा नैनो तक रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने कई मुकाम हासिल किए हैं। 21 साल वो ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान टाटा ग्रुप लोकल से ग्लोबल हो गया। टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई।
29,000 करोड़ रुपए का उनका ग्रुप आज 15 गुना बढ़कर 4,54,500 करोड़ यानी कि 100 अरब डॉलर का हो गया है। कमाई में तो और तेज बढ़ोतरी हुई है। टाटा के चेयरमैन रहते ग्रुप की कमाई और मुनाफा 51 गुना बढ़ गया है, मगर इस शानदार रिकॉर्ड के बावजूद अभी कुछ कमी रह गई है। टाटा मोटर्स का स्टैंड अलोन रिजल्ट अच्छा नहीं है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल भी थोड़ा डाउन है, और देखिए कार में तो जहां तक मेरा मानना है दे आर नॉट डूइंग वेल एट ऑल इंक्लूडिंग नैनो। ग्रुप में कई कंपनियां हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है और कई कंपनियां भारी कर्ज में भी दबी हैं। दरअसल पूरे ग्रुप की तेज तरक्की कुछ गिनी चुनी कंपनियों के चलते दिख रही है, जिसमें सबसे बड़ी मददगार रही है TCS। आज ग्रुप के मार्केट कैप में आधी हिस्सेदारी सिर्फ TCS की है। TCS को हटा देने पर टाटा ग्रुप की कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल केवल 11% रह जाएगा, बल्कि ग्रुप की करीब 70% पूंजी पर तो रिटर्न 10% से भी नीचे है। ग्रुप का सबसे बड़ा दाव लगा है टाटा स्टील, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पटरी पर नहीं आ रहा है। 2007 में यूरोप की कंपनी कोरस को खरीदना न केवल टाटा स्टील बल्कि टाटा ग्रुप के लिए बोझ बन गया है। After we took the decision to invest in Corus, the steel industry and in fact the world's economy took a drastic dip, particularly in Europe where Corus is located, and therefore the timing proved to be rather unfortunate. इसी तरह रतन टाटा ने टेलीकॉम बिजनेस में भी अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो लगातार घाटे में ही बना हुआ है। 2007 के बाद अकेले ग्रुप के टेलीकॉम बिजनेस से 3 अरब डॉलर का घाटा हो चुका है। कई होटल खरीदने के बावजूद ग्रुप का होटल बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। शायद यही वजह है कि ग्रुप पर आज भी करीब 26 अरब डॉलर का कर्ज है। टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद रतन टाटा ने कंपनी की परफॉर्मेंस और जवाबदेही पर काफी जोर दिया था, लेकिन लगता है कि बाद में वो खुद भी इतने बड़े साम्राज्य पर नजर नहीं रख पाए। पिछले 10 साल में उनका जोर टाटा को ग्लोबल ग्रुप बनाने पर रहा है, लेकिन इसका अनुभव भी मिला जुला ही रहा। जैगुआर लैंड रोवर को छोड़ उनका कोई भी सौदा अभी फायदे का सौदा नहीं कहा जा सकता। हालांकि टाटा ग्रुप को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की इन कसौटी पर कसने से पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा से टाटा ग्रुप और टाटा परिवार कमाई के बजाय राष्ट्रहित और जनहित को ज्यादा तरजीह देता रहा। 21 साल पहले अपनी ताजपोशी के तुरंत बाद हुए कड़वे अनुभव के बाद रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री के लिए अपनी ओर से बेहतर जमीन देने की कोशिश की है। साइरस मिस्त्री को एक पैनल ने चुना और इसका ऐलान 2 साल पहले ही कर दिया गया था। मिस्त्री के सामने चैलेंजेस ऐसे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू बिल्ड, यू नो, ही इज अ वेरी ब्राइट पर्सन, एक्सट्रीमली ब्राइट पर्सन, वेरी ब्राइट मैन, बट ही हैज a lot of veterans whom he has to deal with. Yes, there are lots of senior people in the Tata group, so he has to take them on their side. That level of confidence he has to build with them, and I'm sure he has the ability to do that. साइरस मिस्त्री को अपना काम समझने के लिए भरपूर समय भी दिया गया। पिछले 1 साल में साइरस मिस्त्री रतन टाटा के हमसाया बने हुए हैं। वैसे तो वो बचपन से टाटा ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। उनका परिवार टाटा सन्स का 18% का हिस्सेदार है और वो खुद टाटा सन्स के बोर्ड में 2006 से डायरेक्टर हैं। लेकिन 186 कंपनियों वाले टाटा ग्रुप को जानना समझना कोई मामूली काम नहीं है। पिछले 1 साल से वो इसी काम में लगे हुए हैं। रतन टाटा की ही तरह साइरस मिस्त्री भी पर्दे के पीछे रहकर काम करने वालों में से एक हैं। लेकिन रतन टाटा के इस मेल के बावजूद अब उनके सामने अपना रास्ता तय करने की चुनौती होगी। गाइडेंस तो है ही ना, तो जैसे रतन ने कहा है मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, साइरस को उसका स्पेस दूंगा, पर जब भी वो चाहता है कोई भी एडवाइस की, गाइडेंस की, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो इसके लिए आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टीम अच्छी है और रतन एट द बैकग्राउंड अवेलेबल है। साइरस भी कोई बच्चा नहीं है, पर यह जरूर है कि आज जो रतन की पोजीशन थी वो तो आने में बहुत टाइम लगेगा। बड़े बड़े सीईओस को क्रिएट करना पड़ेगा और उनको पूरा एक अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल अब टाटा ग्रुप एकदम एक सेंट्रलाइज्ड एक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू नहीं चल सकता। साइरस मिस्त्री के सामने पहली चुनौती होगी अंडर परफॉर्म कर रही कंपनियों को दुरुस्त करना, उन्हें मुनाफे में लाना।
लेकिन टाटा स्टील यूरोप और टाटा टेली की हालत नाजुक है, तो क्या मिस्त्री इन दोनों कंपनियों से पीछा छुड़ा पाएंगे? और अगर वो सचमुच कोई इतना बड़ा फैसला करेंगे तो उन्हें इसकी पूरी आजादी है, क्योंकि रतन टाटा को चेयरमैनशिप मिलने के साथ पूरी अथॉरिटी मिली थी, जबकि साइरस मिस्त्री के लिए टाटा सन्स के 60% के मालिक दोनों ट्रस्टों की बात सुननी होगी। रतन टाटा इन दोनों ट्रस्टों के चेयरमैन बने रहेंगे और ये कहा नहीं जा सकता है कि वो साइरस के हर फैसले पर आंख बंद करके मोहर लगा देंगे।